तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये है नंदुरबार शहर जो महाराष्ट्र का इस तरफ का गुजरात को जाने के लिए आखिरी ज़िला पड़ता है। नंदुरबार जो काफ़ी मशहूर भी है, ये वो पूरा शहर है। और जिस जगह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नंदुरबार ज़िला, ये हज़रत सैयद इमाम बादशाह की दरगाह के ऊपर हम खड़े हैं और वहीं से आपको ये पूरा मंज़र हम दिखा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि आप आए हमारे साथ और एक एक मंज़रों का नज़ारा हम आपको यहाँ से करें। ये हज़रत सैयद इमाम बादशाह की दरगाह शरीफ है, ये उनका रोज़े मुबारक है और आज दिन है इतवार का, यानी कि संडे का दिन है और सरकारी छुट्टी होने की वजह से काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज यहाँ पर ज़ाहिरीन भी आए हुए हैं और काफ़ी रश भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम आपको नीचे ले चलते हैं और फिर उसके बाद से एक एक मंज़र दिखाते हुए हम आपको यहाँ ऊपर की तरफ दरगाह की तरफ बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर मंज़र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। अच्छा तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 मेरे इस न्यूज़ अब तक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई कवरेज करूँ, कोई न्यूज़ बनाऊँ या किसी भी मालूमात को मोबाइल फ़ोन पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक ये न्यूज़ पहुँच जाए और आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप उसे दबाएँ और उसके बाद उसी के बाजू से बेल आइकन का बटन होगा, आप उसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मालूमात, हर ख़बर आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर मिल जाए। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। अब आपको ले चलता हूँ हज़रत सैयद इमाम बादशाह की दरगाह के एक एक मंज़र की तरफ। अब हम ऊपर दरगाह की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं कि ऊपर जाने के लिए किस तरीके से मतलब जाना होता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऊपर जो है तो एक गेट आ रहा है, वो पहला गेट पड़ता है जो दरगाह की तरफ जाने के लिए होता है और यहाँ से मतलब जो है तो शिरनी की पहली दुकान शुरू होती है। अब आइए मैं आपको एक एक चीज़ें मतलब दिखाते चलता हूँ। हम ज़्यादा नीचे तो नहीं गए थे, थोड़ी सी ऊपर से ही हम पहले गेट के पास से यहाँ से शूट करना शुरू करते हैं। हज़रत सैयद इमाम बादशाह जो यहाँ पर उनका नंदुरबार की पहाड़ियों की चोटी पर जिनका मज़ार है और हिंदुस्तान भर से यहाँ पर लोगों का आना जाना, अकीदतमंदों का यहाँ पर आना, अपनी अपनी मुरादें और अपनी अपनी अर्ज़ियाँ लेकर यहाँ पर हज़रत के आस्थाने पर भी आते रहते हैं। यहाँ पर ये जगह है, ये क्या है ऊपर, ये बाबा की जूनी दरगाह है, जूनी दरगाह है। ये देखिए मेरे ऊपर जो यहाँ पर इस तरफ में मतलब लोग खड़े हुए हैं, ये ऊपर यहाँ पर बाबा की जूनी दरगाह है जो यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी मतलब अंदर मज़ार भी है और यहाँ पर जूनी मज़ार है, ज़ाहिरीन भी है और यहाँ पर बाबा के चाहने वाले यहाँ पर बैठ कर बाबा के कदमों में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश भी करते हैं। आइए हम आपको और भी आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हज़रत सैयद इमाम बादशाह की दरगाह पर चलते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बारीक बीनी से दिखाना चाहूँगा, ताकि जब भी आप यहाँ पर नंदुरबार आए तो ज़रूर यहाँ पर आप आए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शिरनी की दुकान है, यहाँ पर ये चाचा भी है। चाचा आप कितने सालों से यहाँ पर शिरनी की दुकान चला रहे हैं? 20 सालों से। क्या मतलब मंजर रहता है यहाँ पर? अच्छा मंजर रहता है। कहाँ कहाँ से लोगों का आना होता है? बहुत दूर दूर से। तो दोपहर का वक्त हो चुका है, जोहर की अजान हो रही है और अजान की आवाज़ यहाँ दरगाह पर एकदम साफ सुनाई देती है। क्या नाम है आपका? इकबाल साहब, मुजावर हैं। अच्छा मुजावर है आप। कितने सालों से यहाँ? 25 साल हो गए। 25 साल से मतलब दुकान भी है और बाबा की सेवा भी करते हैं। सेवा भी करते हैं। इनका हजरत का पूरा नाम क्या है? हजरत सैयद अलाउद्दीन उर्फ इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। हजरत सैयद अलाउद्दीन इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। रहमतुल्लाह अलैह। ये आए दादा दमिश्क से आए। दमिश्क से आए हुए। दमिश्क से। अच्छा
मुल्क शाम से, ये क्या बात है। यहाँ पर कौमी एकता को अगर देखना हो तो औलिया अल्लाह के मज़ारों पर चले। मेरे साथ एक शख्स यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? जय हंसकर। जय हंसकर, आप यहाँ पर हज़रत सैयद इमाम अलाउद्दीन बादशाह साहब की दरगाह पर कहाँ से आए? मैं यहीं पे रहता हूँ नंदुरबार। नंदुरबार में छुट्टी रही तो हम आते ही यहाँ पर दरगाह पर आते हैं। मैं एक थोड़ा सा मतलब हटकर सवाल करना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर आज मतलब जिस तरीके से अंग्रेज़ों की पॉलिसियों पर मतलब बांटो और हुकूमत करो, आज देश में मतलब राजकारणी लोग भी इस तरीके से मतलब बांट कर मतलब हुकूमत करते हैं, लेकिन दरगाहों पर मतलब हर मज़हब के लोग देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जाति भेद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भगवान अल्लाह हो या भगवान हो ये तो फ़र्क नहीं करते ना, वो तो हर बंदा अपना ही मानते ना, तो उसमें ये जो बांटने का जो सवाल होता है तो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जाति भेद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी तो इंसानियत है। और भाई देखिए आपने मतलब ये अब हम चढ़ रहे हैं हज़रत सैयद अलाउद्दीन जो शहीद का मर्तबा हासिल किए हुए, जो शहादत का मुकाम था जिनका, अब उनकी हम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इस दरगाह की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? सैयद निसार। सैयद निसार, कहाँ से आए आप? दुंडाइचा। दुंडाइचा से जी। तो आप यहाँ पर क्यों आए? ज़्यादा यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ से इसके यहाँ से सब लेके जाते हैं, यहाँ से सब लेकर जाते हैं, मिलता है हज़रत के आस्थाने पर, आस्थाने पर सब कुछ मिलता है। हर बार आते हो? हर हफ्ते आता हूँ। हर हफ्ते जी, हर मतलब हर संडे को? संडे को। वाह भाई क्या बात है, हर संडे आप ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मैं पूरी तफसील आपको मतलब जो है तो बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड है जिसके ऊपर हज़रत के ताल्लुक से तमाम ही चीज़ें लिखी गई है। मैं आप इसमें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और मैं आपको पढ़कर भी सुनाना चाहूँगा कि आपका वतन दमिश्क मुल्क शाम है। शहादत नज़र आबाद में हुई, नाम व नसब सैयद अलाउद्दीन, वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला, वालिदा का नाम अजमत बी, 12वीं पुश्त है सिलसिला नस्ब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। आप हज़रत ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती अजमेरी के अहम असर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने शुमाली भारत में मज़हब इस्लाम फैलाया, जुनूबी भारत में मज़हब इस्लाम की अशात के लिए हज़रत मुईद्दीन चिश्ती ने सैयद अलाउद्दीन अजमेरी, सैयद अलाउद्दीन अजमेरी को रवाना किया। आपने नज़र तशरीफ़ लाए, एक शाही की तलवार से आपका सर मुबारक कट कर ज़मीन पर गिर गया। आपने सर को एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में तलवार लेकर काफिरों से जहाद किया। ये करामत देखकर बहुत से काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी शहादत शब अशरा मुहर्रम मुलहरम हिजरी 612 में वाक़ हुई। तमाम मुल्क खानदेश आपके कदम फैज से बासलाम हुआ। इब्तदाई मकबरा मुल्क के नासिर फारूकी हाकिम खानदेशी ने सन 1407 में बनाया। मस्जिद की तामीर चमन शाह नामी बुज़ुर्ग ने की। बुलंद दरवाज़ा और दरगाह का अहाता गुजरात के बादशाह महमूद बेगड़ा ने बनवाया। बुलंद दरवाजे के सामने का मकान, दरवाजे के सामने का बनवाया बुलंद दरवाजे के सामने का मकान जिसकी दुरुस्ती मतवाली अजीज़ मियां ने की, इसकी असल तामीर तकोबी होलकर ने की। रंग महल मुग़ल बादशाह शाहजहां के ज़माने में नवाब चिकली ने की। मुहर्रम की 9 तारीख को हज़रत सैयद अलाउद्दीन उर्फ इमाम बादशाह का संदल और 11 से 14 तारीख तक उर्स शरीफ होता है। तो ये रही उनकी पूरी मुकम्मल मालूमात कि वो यहाँ कब आए, कैसे शहीद हुए, जंग की और शर मुबारक हाथ में लेकर किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शहादत का मुकाम भी हासिल किया। मैं चाहूँगा हमारे साथ में एक हमारे बिरादरान वतन है उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? करण लोहारे। करण लोहारे, कहाँ से आए आप? मित्रवस से। आप यहाँ पर हर बार आते हैं? हाँ। कितने सालों से? हर गुरुवार कम से कम 4-5 साल। हर गुरुवार को? तो क्या आपकी यहाँ पर मुरादें पूरी हो? जब भी तो आ रहे हैं ना। आपकी मुरादें पूरी होती है जब भी आ रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए नाज़रीन, हम और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि ये खूबसूरत मंज़र है और पहाड़ियों की चोटी के ऊपर हज़रत का मुकाम है, यहाँ तशरीफ़ फरमा है और काफ़ी खूबसूरत मंज़र नज़र आता है यहाँ से। आइए मैं और भी लोगों से बात करके कुछ जानने की कोशिश करूँगा।
कि वो यहाँ पर कहाँ से किस तरीके से आए हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। अच्छा, मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, कहाँ से आए आप? सूरत से। सूरत से? सूरत तो काफ़ी लंबा है यहाँ से। बहुत बड़ा बहुत हमारे को तमन्ना थी दरबार पर आने की। कई सालों से हम कोशिश करते थे मगर हमारी कुछ कामों से हम अटक जाते थे। अच्छा, इस दो दिन में हमने बहुत तैयारी करके हम यहाँ पे आए। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार आए इस उम्र में हम। अच्छा, तो हजरत के बारे में क्या मतलब आपको मालूम थी कि मतलब यहाँ आने की मन आपकी इच्छा क्यों हुई? बस हमने बहुत तारीफ सुनी थी कि बहुत जिंदा वाली है। अच्छा, यहाँ पे बिगड़े काम बनते हैं, हम भी हमारी मुराद लेकर आए। अल्लाह हमारी मुराद को बाबा कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मुराद को पूरी करे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज गुलगनी कुरैशी। अच्छा, कहाँ से आया है? हम आए सूरत गुजरात से। जी, क्या मतलब तमन्नाएं लेकर आया? तमन्ना यही लेकर आए कि यहाँ से मुरादें सब पूरी होती है और यहाँ मुरादें सब होती है। तमन्ना जो भी लाता है या तमन्ना वो सब पूरी होती है। इंशाल्लाह यहाँ बाबा का बहुत करम है, यहाँ मुरीदें पूरी होती है सबकी। तो देखिए, यहाँ पर ये सूरत से आए हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि बाबा के आस्थाने पर इनकी तमन्नाएं पूरी होती है। और हम भी चाह नाज़रीन, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हज़रत का सिजरा मुबारक है। सिजरा नजबुल हज़ब सैयद अलाउद्दीन शहीद इमाम बादशाह नज़र अब्दी हज़रत इमामुल मुत्तकीन मुत्तकीन अल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, ये उनका जो सिजरा मुबारक है हज़रत का, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। आइए अब हम आपको हज़रत की कुछ ख़ास चीज़ें दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, अब ये हज़रत का मज़ार मुबारक है, आप ज़ियारत भी कीजिए और दरूद पाक पढ़ते रहिए। मैं जब तक आपको हज़रत की ये मज़ार दिखा रहा हूँ, आप ज़ियारत भी करते जाएं और दरूद पाक का नजराना भी पढ़ते रहें और ज़ियारत भी करते रहें। और ये हज़रत का आलम है। ये हज़रत के आलम है, इससे आपने जंग लड़ी। अच्छा, ये हज़रत के आलम इसी से जंग लड़ी है? हाँ, इसी से जंग लड़ी है। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ दरगाह के मुजावर मौजूद है और ये जो दिखा रहे हैं ये वो आलम है जिनसे हज़रत ने यहाँ पर मतलब जो है तो काफिरों के साथ जंग लड़कर यहाँ पर जो है तो शहादत का मुकाम हासिल किया था। ये कितने मतलब सालों से इसी तरीके से मतलब यहाँ रखे हुए हैं? 800 साल से। 800 साल से मतलब इस जगह रखे हुए हैं। बहुत माशा। देखिए नाज़रीन, आपको घर बैठे हम दिखा रहे हैं हज़रत सैयद शहीद अलाउद्दीन इमाम बादशाह जिनकी मज़ार नंदुरबार में है। ये वो आलम है जो जंग में उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। और ये उनकी, अच्छा यहाँ पर एक बात और भी थी भाई, वो जिनको औलाद नहीं होती है तो वो बालियों से मतलब उठाए जाते हैं, ये एक बात यहाँ पर अभी मतलब जाहिरीन ने कही थी। जी, इसे बाला कहते हैं। बाला कहते हैं? हाँ। जी, तो जिन जिन लोगों को औलाद नहीं होती है? हाँ, ये राजा बनता है, औलाद हो जाए। अच्छा, हज़रत की दुआओं से और अल्लाह के फ़ज़्ल करम से औलाद हो जाती है। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पर हम हज़रत के आस्थाने पर मौजूद है और गुस्ताखी की हज़रत से माफ़ी भी चाहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर हज़रत की पूरी दरगाह मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सूरत से आए हैं, कोई डोंडाचे से, कोई धूलिया से। मैं हिंदू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रवि जाधव। रवि जाधव, हिंदू हूँ मैं। बाबा साहब ने मेरा बहुत अच्छा किया। देखिए, ये यहाँ पर हर धर्म के लोग, हम कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पर के कौमी एकता को अगर देखना है तो औलिया अल्लाह के मज़ारों पर चलो और वहाँ कि जिस तरीके से आज मुल्क भारत में लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है, जिस तरीके से भेदभाव जातिवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पर बांट कर लोगों में नफरत पैदा करके उन्हें आपस में बांट कर अपनी राजनीति चमकाने की भी मतलब यहाँ पर कोशिश की जाती है। लेकिन उसी तरीके से एक दूसरा मंज़र अगर आप देखना चाहें तो सदियों से, सालों से, हज़ारों सालों से औलिया अल्लाहों के मज़ारों पर हर मज़हब के मानने वालों का, हर मज़हब के चाहने वालों का, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो दलित हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, हर कोई आपको आस्थानों पर आता हुआ दिखाई देगा। आपको अल्लाह वालों की मज़ारों पर हर मज़हब हर धर्म के मानने वाले मिलेंगे, चाहे वो
रब को हे राम के नाम से जानते हो, या ईश्वर कहे, या खुदावंद कहे, या अल्लाह कहे, लेकिन बात तो यह है कि सबका मालिक एक है। और औलिया अल्लाह के मज़ारों पर यह बात देखने को मिलती है कि अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी वो यहाँ पर कौमी एकता के तर्ज पर हर मज़हब हर धर्म के लोग आते रहते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आप लोगों को और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये चांदी के मुकुट है। जिन लोगों की तमन्नाएं मुरादें पूरी होती है वो हज़रत के आस्थाने पर इस तरीके की चांदी के मुकुट चढ़ाते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो क्या नाम है आपका? रफीक मुजावर। रफीक मुजावर साहब ने हमें काफ़ी मतलब यहाँ पर सहयोग किया, हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें हजरत के अलम दिखाए, चांदी के वो ताज जो जिनकी मुरादें पूरी होने पर लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं वो दिखाया, और हमें यहाँ पर तमाम मालूमात शूट करने के लिए काफ़ी इन लोगों ने हमें ताउन किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये रहे वो ताज। अब आप लोगों ने तमामी चीज़ें देख ली है। अब मैं चाहूँगा कि आप जब भी इस तरफ अगर आपका आना हो तो यहाँ पर आप ज़रूर तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम बादशाह की दरगाह पे ज़ियारत करके उनसे फैज़ याब हासिल करें।